हाय एवरीबॉडी, मु कृष्णांशु आपको स्वागत करुच्छे स्टडी प्लाटफर्म स्टडी स्टार्ट को। तेज आपको जमी कही आज रात 10:00 आपंकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लासेस स्टार्ट हो जाए चैनल कौन पर ना एल आई आपंकर कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड आम सब टॉपिक पढ़ा आपर मैथमेटिक्स होगा डिटेल्स पढ़ा आपंकर ओडिया होगा इंग्लीश होगा जीके होगा साइंस होगा सबकि डिटेल्स पढ़ा ठीक अच्छे। तो आपंकर जो फेब्रुवरी एग्जाम अच्छे पूर्व आप कंप्लीट सिलेबस ये चैनल आप फ्री ऑफ कॉस्ट पाइपे ठीक अच्छे। ता छड़ा आपको ये चैनल नवंबर लास्ट और डिसेंबर फर्स्ट वीक भितर प्रैक्टिस ठीक अच्छे प्राक्टिस सेट आपको मिल जाए ठीक अच्छे। जोटा कि आप परचेज करा पड़ो कहीं टाइपिंग इत्यादि खर्च होते बहुत कम प्राइस मिले से टेंशन नाने आज जो भी टॉपिक पढ़ा आम जीरो जा पूरा पॉइंट जी आप क्वेश्चन पीरियड देखते बहुत सिंपल आसता पूर्व आप कंबाइन देखते डिफिकल्ट आसा तो से हिसाब से आम जा पूरा रूट्रु जा पूरा 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 शेष पर्यटन पहुंचा ठीक अच्छे। पूरा जीरो आप टॉप पर्यटन जीवन से व्यस्त भी आज जो क्वेश्चन देखिए आप बहुत सहज होती मुझे जानी देखो आप जानते आउ किए जानते से प्रथम पूरा बेसिक जा थीरी पढ़ेबी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप सल्यूशन करेंगे और से थीरी आप क्लीयर हो ठीक अच्छे। चलते देखा प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे आप प्रथम क्वेश्चन आपने देखा पाइबे कि आपको दे व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 4/5 4/5 गोटे फ्राक्शन दे फ्राक्शनटा के परसेंटेज पुलिस पचार माने यार परसेंटेज काढ़ू कही कथा से 4/5टा पहुँच फ्राक्शन तार परसेंटेज तो जिते बड़े गोटे फ्राक्शन कौन नंबर देता तार परसेंटेज काढ़ाक होती परसेंटेज कौन गुणवे बुझिपार गुणीदे अर्थात 4/5 को जदि मुझे कह परसेंटेज काढ़ू 4/5 आप 100 गुणे बास कम शेष आप बांधे 10 × 20 काटे तो 40 × 80 जो आपंकर राइट आंसर बुझीगला ये गोटे मेथड। नेक्स्ट जो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन आप व्हाट फ्राक्शन इज 9% बर्तमान कौन देला गोटे परसेंटेज देता तार फ्राक्शन पचारदेला से आपला गोटे नंबरटा तार परसेंटेज पचारा बर्तमान गोटे नंबर देते तार फ्राक्शन के परसेंटेज अर्थ कौन 400 अर्थात 9% अर्थ कौन 9/100 और 9/100 गोटे फ्राक्शन कि नहीं 2टा गोटे फ्राक्शन कि नहीं 2टा भी गोटे फ्राक्शन कहीं 2 तले किसी ना अर्थात 1 अच्छी बुझे फ्राक्शन को भी आपको बुझे चेस्टा कर 4/5 ये गोटे फ्राक्शन बुझेगा तो लबा घर जो थे सी गोटे फ्राक्शन तो 9% को आम 9/100 लिखिपर तो 9% होते गोटे परसेंटेज फ्राक्शन में कनभर्ट करा था तो बाय 100 करा जाए बुझेगा कारण आम 100 सहित तुलना कर टोटाल 100 जदि हुए 100 9 भाग बा 9 जदि 100 टी आंब हुए से 9 आंब ने जदि 100 टाँग हुए मुझे 9 टाँग ने 9 टाँग दे तार अर्थ सीधा बुझेगा। नेक्स्ट चलते बुझेगा ये कौटा रईट आंसर हम 9/100 कौटा अच्छे देखो 9% 9/100 हेल्ले यहाँ हो रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप व्हाट फ्राक्शन इज 25/2 एग्जाम आप 25/2 देखा पाइपारे कि 12 × 1/2% ठीक अच्छे ताको आप देखा पाइबे तो 12 × 1/2 को जब आम कनभर्ट कर बादन 24 × 25/2 तो या कोई फ्राक्शन कनभर्ट करते फ्राक्शन कमी कनभर्ट करेंगे कहली डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 25/2 हेल्ले 25/200 तो ये तो होगा आंसर ठीक अच्छे। पढ़ा तो ये कन्फ्यूजिंग अच्छी क्वेश्चन देखो या कोई काटिद आप के 5×25 × 5×20 तो ये भी गोटे रईट आनसर हो गला पुणी या आउ थे काट 5×40 × 1/8 हो गला ना ना 12 × 25/2 / 12 × 1/2 फ्राक्शन होती है एक्चुअली जब पूरा कट हो 1/8 तो एग्जाम आपको एमती भी दे पाए तो ये हूँ आप माइंड को माइंड गेम जो अच्छे तो मुवि भावे तो माइंड को खेलने तो एमती भी आपड़ देपे जोटा ऑल हो पारे ठीक है। 25/2 को 25/200 भी लिखिपर 5/40 भी लिखिपर 1/8 भी लिखिपर ठीक अच्छे। तो ये गोटे ट्रिकी क्वेश्चन आप ठीक है सब जानते हैं कि भूल करके आसपे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपच्छी फाइन 5% ऑफ 1225 1225 आपने 5% काढ़े टी आगे गले पूरा कहल ना पूरा आम स्टेप बै स्टेप जाए से पूरा प्रथम पूरा मुंडी पड़ा नुह ठीक अच्छे। 5% अर्थ कौन 5/100 टी आगे पड़ी आसे ऑफ अर्थ कौन गुणन केत का 1225 होगा बर्तमान हरीदे कौन अच्छे 5×100 काढ़े 5×10 × 5×20 जानते तो यहाँ पुणी 5×5 = 20 ये कले 5×10 × 5×20 × 5×25 तो 245/4 अच्छी ऑप्शन कौटी ना नन अफ दिज तो अच्छी ना नन अफ दिज मैं पड़ेगा ठीक अच्छे। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट हूँ 5% व्हाट नंबर इज 625 ठीक अच्छे। ताको चलते करवा 5% आम के लिखिपर 5/100 ऑफ अर्थ कौन गुणन नंबर इज है इक्वाल टू के 625 होगा तो ये करदे 5×10 कटिगला तो या पी 5×5 = 20 यहाँ हूँ 5×5 तो 5×10 × 5×25 125/4 ठीक अच्छे। सॉरी
5% ଅଫ୍ ଏଇଟା ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 5% ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହିଁ 625 5% ଅଫ୍ ତ କ'ଣ 5/100 ଅଫ୍ ହେଲା କ'ଣ ଗୁଣନ ନମ୍ବର ନମ୍ବରଟା କେତେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 625 ବୁଝିଲା ଇଜ୍ ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହାଯାଏ ତ ଆପଣ ଏକ୍ସ କେତେ ହେବ 625 ଇନ୍ ଟୁ 100/5 ବୁଝିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 5×10 ଶୂନ ବୁଝିଲେ ତ 625 20 ଗୁଣିଲେ ଅର୍ଥାତ 625 2 ଗୁଣିଲେ 625 2 ହେଲେ 1250 ଆପଣଙ୍କର 1250 ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିଲା ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ସମସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ 25% ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 36 25% ଅଫ୍ କେତେ ନମ୍ବର 36 ତ ଏହାକୁ ବି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25% 25% ଅର୍ଥ କ'ଣ 25/100 ଅଫ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୁଣନ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନମ୍ବର ସେ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇଯିବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 36 ସରିଗଲା ଏବେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ କେତେ ହେବ 36 ଇନ୍ଟୁ 100/25 ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେବା 5×25 5×10 ଶୂନ ଏଠି 5×20 ଆଉ 36 4 ଗୁଣିଲେ କେତେ 144 ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିବ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ 20% ପାଇଁ ନମ୍ବର 40 ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର କହିଛି 20% ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 40 ତେଣୁ ସେ ନମ୍ବରଟା କେତେ ତ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଜଣାନି କିନ୍ତୁ 20% ସେ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ୁଛେ ସେ 40 ବାହାରିବ ତ 20%ର ଅର୍ଥ କ'ଣ 20/100 ଅଫ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୁଣନ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଜଣା ନାହିଁ ପରା ତ ତାକୁ ଏକ୍ସ ନେବା ତ ଇଜ୍ଟା ଅର୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 40 ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ଭୁଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ 40 ଇଣ୍ଟୁ 100/20 ଠିକ୍ ଅଛି 20×40 100×2 କେତେ 200 ଏହାକୁ ମାରିକି ପଳେଇବେ ବୁଝିଗଲା ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ତାପରେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ ରଖିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ସିରିଏଲ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ 20% ନମ୍ବର 40 ଦେନ୍ 80% ନମ୍ବର କେତେ 20% ନମ୍ବର 40 20% ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଗରୁ କେତେ କାଢ଼ିଲେ 20% ନମ୍ବର 40 ଯେ ସେଟା କେତେ ବାହାରିଥିଲା 200 ବାହାରିଲାନି ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେଇ 200ର 80% କେତେ ସେ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଇଛି ବୁଝିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି 20% ନମ୍ବର 20% ନମ୍ବର 40 ତ କେମିତି କାଢ଼ିଲି 40 ନମ୍ବରଟା କେତେ ବାହାରିଥିଲା 200 ବାହାରିଥିଲା ତ ତା'ର 80% କାଢ଼ିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଖୁଛି 20% ନମ୍ବର ତ 20%ଟା କେତେ 20/100 ଅଫ୍ ହେଲା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଇଜ୍ ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ତ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ 40×100/20 ତ ଏହାକୁ କାଟିଲେ 20×40 100×200 ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେଇଗଲା 200 ଏକ୍ସ ମାନେ ସେ ନମ୍ବରଟା 200 ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା ଏବେ ସେ 200ର 80% କେତେ 200ର 80% କେତେ 160 ଆପଣ ଏମିତି ଯିବି ଜାଣିଦେବେ ତ 200ର 80% ମୋତେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି 80% 8/100 ବୁଝିଗଲା ତ 160 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟ୍ରିକି ରହିବ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ କହୁଛି ଦୁଇଟା କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ବନା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ହଁ ଦୁଇଟା ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି କହିଛି ଆପଣ କ'ଣ ନା କହିଛି ଇଫ୍ ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 1 kg ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ କେ ଜି ରାଇସ୍ର ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 25/2 ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ 12.1/2% ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ 25/2% ବୁଝିହେଲା କହିଛି କ'ଣ ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କେଜି ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 25/2% ଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ରୁପିଜ୍ ଆଉ 25/2% ବଢ଼ିଲା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଲା 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ଯେ 25/2% ବଢ଼ିଲା ସେ 25/2%ଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇସ୍ ତେବେ ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ସେଇ ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବଢ଼ିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିପାରେ କିମ୍ବା ସେଇ 5% ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେଇଟା କେତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଫ୍ ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 1 kg ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 25/2 ବା ଯେଉଁଟା 12.1/2% ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ₹5 ତ 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ତ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇସ୍ ତ ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସର୍ଟରେ କେମିତି କରିବେ ସର୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍
डिफरेंस इन प्राइस ठीक अच्छे मैंने जो प्राइसटा आप डिफरेंस रहा जोटा कि डिफरेन्स के डिफरेन्स प्राइस के आप जो डिफरेन्सटा इनक्रीज के बढ़ीगला पाँच टाँग बढ़ला तो सर डिफरेन्स ना नहीं तो रखिए आपर पटे मैंने उपर पटे रखिए जोटा आप लब जोटा कहते ठीक अच्छे डिफरेन्स जो प्राइस रहा डिवाइड बाय डिफरेंस इन परसेंटेज परसेंटेज डिफरेंस अच्छे आप यदि प्राइस ऑफ दि वन के जी प्राइस इज इंक्रीज बाय 25 बाय 2 माने सेटा ही डिफरेंस ना से प्राइस ही आपको बढ़ला तो तले रखिए 25 बाय 2 इंटू 100 करदे आपंकर रिजल्ट आसो तो या जब मुझे सॉल्व करी कैसे हम आपको नहीं आसवा पाँच इंटु यहाँ उपरू गले कैसे हम दुई बै पचीस इंटु शहे तो या काटदे क्या पचीस छः शहे तो कैसे पाँच दुणे दस दस छो चालीस चालीस हो राइट आंसर बुझेगा आउ थे कौन कौन कहला यदि प्राइस ऑफ वन के जी ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25 बाय 2% दि इंक्रीज रुपीज इज 5 जो बढ़ुची जो टाटा बढ़ला से 25 बाय 2% बढ़ला जो टाटा बढ़ी से 5 टाँग बढ़ी फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दि राइस राइस ओरिजिनल प्राइस के करना ना जोटा आपर बढ़ी आपरपटे रखिए अर्थात पाँच उपरपटे रखिले जो आपर जो परसेंटेज बढ़ी एट टाँचा जो बढ़ला तो पाँच मान प्राइटा हो परसेंटेज नुह रुपीज आ जो इनक्रीज हो जो प्राइस इनक्रीज ताकू तले रखिए अर्थात 25 बाय 2 को तले रखिले ठीक अच्छे इंटू 100 करदे आपंकर आंसर आसात या सल्व कले आपर के 5 इंटु एटा 2 बाय 25 ठीक अच्छे इंटु 100 ठीक अच्छे यहाँ पाँच पचास 25 ठीक अच्छे पाँच दुनिया 10 कोड़े पंचायत तो 20 दिन 40 तो 40 हो आप राइट आंसर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट रोचे आपंकर कौन इफ दि प्राइस ऑफ वन के जी ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25 बाय 2% जो क्वेश्चन टी आगू से क्वेश्चन होता दि इनक्रीज रुपीज 5 इनक्रीज रुपीज है 5 फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ दि प्राइस न्यू प्राइस केू प्राइस काढ़ाई आपने फसवे जे 40 थी मार्दी पर आसवे ना न्यू प्राइस के जो आप काढ़े के काढ़े 40 टाँग काढ़े 40 टाँग काढ़े ना नहीं तारी आपर बढ़ी ना ना न्यू प्राइसटा यार बढ़ला यहाँ हूँ आप कौन ओरिजिनल प्राइस अर्थात आम 40 टाँग जोटा इटी टी आगे काढ़ी आसे आम इटे 40 टाँग जो काले इटे 40 टाँग फाइंड ओरिजिनल प्राइस आपड़ कमी काले ना आप कौन कले ना जोटा हूँ जो टाटा बढ़ी उपर पार्टर रखिले तल पार्टर रखिले जो डिफरेन्स हो इनक्रीज होती रखिले ठीक अच्छे इंटू 100 करते तो आपंकर के 40 बार यहाँ हूँ ओरिजिनल प्राइस ये ओरिजिनल प्राइस आपंकर न्यू प्राइस न्यू प्राइस के बढ़ी 25 बाय 2 बढ़ी तो से करदे आप रिजल्ट आसो ना तो अर्थात 40 इंटु 25 बाय 2 25 बाय 2 बढ़ी अर्थात आप 25 बाय 2 अर्थात 25 आप 12 ना 1 बाय 2 टाक आपते लिखे 25 बाय 2 तो अर्थ आप लिखिपर गोटे मिनट कहत चालीस इंटु 225 बाय 200 बुझिपारे तो या को जदि आम बर्तमान होने सिंप्लीफाई करदे आमर के आस जीरो जीरो कटिज चार पंचा कोड़े कटिज पाँच छः कोड़े पाँच पचास पचीस अर्थात 45 हो आंसर भावी समस्त बुझीपारे जब किसी भी प्रोब्लेम आप किसी डाउट रोचे कौटी निश्चय कमेंट करेंगे निश्चय मुझे तार आंसर जनवि। थैंक यू।